हेलो गाइज, तो आज के ब्लॉग में जो है कुछ खास होने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम जाने वाले हैं आज एक स्कूल में, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है। हमारा जो महापर्व है छठ पूजा है, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है वहाँ पे दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो है हमारा छठ मनाया जाता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है, तो सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे शूट है, तो शूट भी जो है मुझे ही करना है, मैं ही शूट करूँगा। तो इस ब्लॉग को जो है पूरा देखिएगा, ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो शूट जो है वो मैं ही करूँगा। तो दिखाऊँगा आपको कि किस तरह से शूट होगा वहाँ पे, और किस तरह से जो है हमारा छठ होता है। तो वो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो है वहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे हमारा छठ जो है 4 दिन का जो व्रत है वो उसमें जितना ही प्रोसेस होता है सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग स्कूल के कैंपस के पास पहुँच चुके हैं, चलिए अंदर देखते हैं। लगता है हम लोग काफ़ी सवेरे आ गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोग जो है काफ़ी कम है। तो पहला दिन में होता है कि नहाय खाए के दिन होता है, कि उस दिन चूल्ही बन के तैयार किया जाता है। तो उसके लिए जो है मिट्टी का चूल्ही, तो मिट्टी ले जाना ज़रूरी है, तो वही मिट्टी ले जाया जा रहा है। उसके बाद जो है इस मिट्टी से चूल्ही बनेगा, और चूल्ही बनकर तैयार होगा। देखिए, इसको गीला किया जा रहा है उसको, और इसी पर जो है प्रसाद बनाया जाएगा, जो भी प्रसाद होता है। फिलहाल नहाय खाए के दिन तो चावल, चना का दाल और कद्दू का सब्जी जो है वही प्रसाद के रूप में मनाया जाता है, और जो व्रत करती है वो उसको खाती है, ग्रहण करती है। तो जैसे ही हमारा चूल्ही बनकर तैयार होगा, उसके बाद हम प्रसाद बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो अभी जो है ये लोग नहाए खाए होता है, तो नहा के आई है, और नहाने के बाद जो है आगे का प्रोसेस जो है गेहूँ सुखाया जाता है पानी से, अच्छे से धो के उसके बाद ओखली में कूटा जाता है इसको। ओखली में इसलिए कूटा जाता है क्योंकि ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है। जिनके पास ओखली नहीं होता है वो मशीन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ओखली जो है ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद गेहूं को जो है अच्छे से धो के सुखाया जाता है। देखिए किस तरह से यहाँ पे सुखाया जा रहा है, पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। आपको अब जो है चूल्हे पे नहाए खाए का प्रसाद, चावल दाल और कद्दू चना का सब्जी जो होता है वो बना के तैयार किया जा रहा है। चावल दाल और कद्दू चना का सब्जी होता है। तो अभी जो है सब्जी बन के तैयार हो रहा है, देखिए इधर सब्जी बन जाएगा अच्छे से। उसके बाद जो है आगे चावल हो गया और दाल बनाया जाएगा, और उसके बाद जो भी व्रत करती है वो खाती है। तो देखिए अब जो है चावल बनना शुरू हो गया है, और ये सब जो है वो चूल्ही जो बनाए थे उसी पे बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए अब चना का दाल इसमें रखाया है, और ये बनकर तैयार होगा, और फाइनली हमारा प्रसाद जो है वो रेडी हो गया है। तो जो व्रत करती है वो यही खाती है पहला दिन, यानी नहाए खाए के दिन। तो देखिए इसके बाद जो है जो भी व्रत कर रही है वो सब जो है खाएगी, खा रही है। उसके बाद जो है उसको नीहूँच के खाया जाता है, चारों तरफ से पानी डाल के। ये सब हमारी परंपरा को दर्शाती है, छठ पूजा जो है वो हमारे परंपरा को ही दर्शाता है, और बिहार के लिए बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है। हम लोग जो है ऐसा माना जाता है कि हम लोग का जो है इमोशन से जोड़ता है ये पर्व। उसके बाद देखिए वो जो हम गेहूं जो तैयार किए थे उसके लिए प्रसाद के लिए जो है इसको जांता इसको बोलते हैं, इसमें जो है पीसा जाता है इसको अच्छे से। पीसने के बाद जो है आटा जो है तैयार हो गया। उसके बाद जो है खरना का जो प्रसाद होता है हम लोग का, खीर रोटी जो है वो खाया जाता है। तो इधर देखिए खीर जो है बन के तैयार है, अब जो है रोटी बनेगा, तो उसके बाद जो है खीर रोटी खाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे रोटी बन के तैयार हो रहा है, अब जो है ये सभी लोग खाएंगे। देखिए हमारे इधर लक्ष्य भैया भी बैठे हुए हैं, सब लोग देखिए खाएंगे, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस होगा वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो है अब हमारा जो है तीसरा दिन का जो होता है, जो छठ घाट तैयार करते हैं, जहाँ घाट पर जाके हम लोग पूजा करते हैं, तो उसको तैयार करते हैं, अच्छे से साफ सफाई करते हैं, अच्छे से जितना बेहतर सजा सके उतना अच्छे से सजाते हैं, और उसके बाद जो है इसका साफ सफाई करके, और उसके बाद हम लोग जाते हैं इसी घाट पे पूजा करने। तो देखिए किस तरह से साफ सफाई कर रहे हैं बच्चे लोग। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे दौरा सजाया जा रहा है, जो कि इसको सर पे रख के जो है लोग ले जाते हैं,
घाट पे। तो इसमें जो है देखिए केला हो गया, फल हो गया, और हम जो प्रसाद जो बनाए थे ठेकुआ जो होता है वो इसमें ज़रूर होता है। ठेकुआ रखना जो है वही जो है इस पर्व का जो है बोल सकते हैं कि प्रसाद है। देखिए यहाँ पे अब सब लोग जो है घाट पर जाने के लिए निकल दिए हैं। ये जो है संझ की अर्घ यानी संध्या का जो अर्घ होता है उस टाइम का है। तो उस टाइम में जो है लोग जाते हैं सभी लोग, देखिए यहाँ पे, और ये जो है देखिए इसको दंड करते हुए जो है जा रहा है। तो जो जो व्रत मतलब जो है जो भी मन्नत मांगे रहते हैं तो उनका पूरा हो जाता है या मांगते हैं, तो उनके बाद जो है ये अपना दंड करते हुए जाते हैं। जो भी छठी मैया से अपना कुछ मांगते हैं और उनका पूरा हो जाता है तो ये करते हुए जाते हैं। इधर बच्चे लोग जो है और भी महिलाएं लोग हैं अपना सब जो है व्रत करने जाती है, घाट पे जाती है। देखिए किस तरह से जा रहा है और माथा पर जो है दौरा लेके जो है जाया जाता है। और जो दौरा हम सजाए थे जिसमें फल वगैरह ठेकुआ वगैरह रखे थे, सब चीज़ अगरबत्ती से लेके सब चीज़, तो उसी को जो है सर पे रख के ले जाया जाता है। उसके बाद देखिए इधर छोटा सा बच्चा है और ये हमारा घाट जो बन के तैयार हुआ था, तो वो देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस तरह से पूजा होगा, जिसको अर्घ बोलते हैं, संध्या का अर्घ जो है वो दिया जाएगा। देखिए इधर आपको, आप यहाँ आपको देखने से ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो है हम लोग का पर्व जो है महापर्व छठ जो है मनाया जाता है। देखिए उसके बाद जो है पानी में जाने के बाद जो है ये लोग अपना अर्घ देगी और छठी मैया से यानी सूर्यदेव को जो है पूजा करेगी। और बच्चे लोग जो है अपना जो भी पटाखा वगैरह है, फुलझड़ी वगैरह, छुरछुरी जो भी छोड़ना होता है अपना छोड़ते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। देखिए इधर फुलझड़ी छोड़ा जा रहा है। ये सब जो है घाट पे ही होता है, घाट पे नहीं मतलब आप घर पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन घाट पे जो है घाट बन के तैयार होता है, वहाँ पे सभी लोग जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है, सभी लोग जो है वहीं पे पूजा करते हैं। देखिए उसके बाद जो है जो भी हम दौरा में जो सजा के लाए थे प्रसाद वगैरह उसको जो है दिया जाता है और उसको एक बार जो है अर्घ दिया जाता है ऊपर सूरज देव के ऊपर करके और पानी में डुबा के। और जो दंड करते हुए जो आए थे, साष्टांग जिसको बोलते हैं वो करते हुए आए थे, उनको भी जो है पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़ के सूर्यदेव को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जो है ये सब करने के बाद जो है सभी लोग दौरा उठा के और फिर से जो है घर की ओर निकल जाते हैं। और अभी जो है प्रसाद जो है खाया नहीं जाता है, जो प्रसाद जैसे रहता है उसको कुछ भी छूना नहीं होता है, क्योंकि सुबह में जो है एक बार और अर्घ दिया जाता है तो उस टाइम में जो है खाया जाता है। तो अभी देखिए ये लोग वापस जा रहे हैं संध्या अर्घ के बाद, सभी लोग घर जा रहे हैं जिस तरह से आए थे, दौरा लेके माथा पे, और पैर में जो चप्पल वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि पूजा करने जाते हैं। तो ये शुभ होता है, देखिए सभी लोग खाली पैर ही हैं और जाते हैं घाट पे। उसके बाद अब देखिए सुबह का संध्या सॉरी सुबह का जो अर्घ होता है वो देने के लिए अब सब लोग निकल चुके हैं। देखिए किस तरह से जो है प्रसाद में जो भी है, केला हो गया, गन्ना हो गया, दौरा हो गया, ये सब जो है अपना जाता है और सभी लोग जो है फैमिली मेम्बर एक साथ रहते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। देखिए इधर बच्चे लोग जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और हम बिहारियों के लिए जो है सबसे बड़ा पर्व है, सभी लोग जो है इसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो देखिए सभी लोग जो है यहाँ पे घाट पे पहुँच चुके हैं, अब जो है अर्घ दिया जाएगा सूर्यदेव को। और यहाँ पे जो है कुछ बच्चे लोग जो है वो डांस परफॉर्म करते हैं जो कि काफ़ी बेहतर लगता है, बल्कि म्यूजिक नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो डांस परफॉर्म जो है काफ़ी बेहतर करते हैं ये लोग। उसके बाद जो है इधर अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद जो है इधर फिर से सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद जो भी प्रसाद वगैरह होता है, केला का भोग हो गया या गन्ना हो गया, जो भी हो गया, उसको जो है उठा के और एक बार पानी में डाल के ऊपर सूरज भगवान को दिखा के और जल वगैरह ढार के उसके बाद जो उसको बाहर निकाल लिया जाता है। और सूर्यदेव जैसे ही उगते हैं उसके बाद जो है हम लोग पानी से निकल जाते हैं, और पानी से निकलने के बाद जो है घाट से हम लोग घर की ओर प्रस्थान करते हैं और आराम से जो है जो भी प्रसाद ठकुआ हो गया, केला हो गया, उसको जो है अब जो है खा सकते हैं क्योंकि पूजा समाप्त हो गया, पूजा ख़त्म है। तो उसके बाद हम लोग इसको खाते हुए आराम से जा सकते हैं और प्रसाद सबको देते हुए बांटते हुए जाते हैं हम लोग घर की ओर।
तो यही था। तो इस छोटे छोटे बच्चे का जो है प्रदर्शन हमारे महापर्व को दिखाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा, और इन बच्चों का जो है हौसला बढ़ाइएगा। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपको जो है पसंद आया होगा, और काफ़ी अच्छे से ये लोग जो है प्रस्तुत किए जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो सभी का जो है दिल से धन्यवाद, और अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।